पिछले कुछ दिनों पहले हमने भारत और नेपाल के सीमा विवाद को लेकर एक खबर दिखाई थी। अब उस पर एक नया अपडेट सामने आया है। दरअसल नेपाल के कैबिनेट ने एक नया नक्शा जारी किया है। यह एक राजनीतिक नक्शा है जिसमें लिमिपिया धुरा काला पानी और लूप लेखा को नेपाल की सीमा का और यूं कहें कि नेपाल का ही हिस्सा दिखाया गया है। दरअसल नेपाल के कैबिनेट ने इसे जायज़ ठहराते हुए ये कहा है कि महाकाली यानी शारदा नदी लिमिपिया धुरा इलाके में ही आता है जो कि अभी भारत के उत्तराखंड इलाके में पड़ता है, लेकिन भारत इससे हमेशा इनकार ही करता आया है। नेपाल कैबिनेट का यह फैसला तब आया जब भारत ने कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लूप लेक इलाके में सड़क बनाने की शुरुआत की। इस खबर के बाद काठमांडू के सांसद से लेकर वहाँ की सड़कों तक पर लोग भारत के विरोध में खड़े हो चुके थे। गौरतलब बात यह है कि भारत ने 6 महीने पहले अपना राजनीतिक नक्शा बदला था जिसमें जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था। इसी वक्त लिमिपिया धुरा काला पानी और लूप लेक को भारत का हिस्सा बनाया गया था, जिस पर नेपाल ने कड़ा एतराज जताया है। इस विवाद को लेकर सुगौली की संधि की बड़ी चर्चा होती है, तो हम आपको बता दें कि सुगौली संधि है क्या। दरअसल भारत और नेपाल के सर्वे विभाग के अधिकारी कई बार इस मसले पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है। नेपाल के सर्वे विभाग के एक अधिकारी हैं बुद्धि नारायण श्रेष्ठ। उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1850 और 56 में भारत और नेपाल सरकार ने मिलकर एक नया नक्शा तैयार किया था। बुद्धि नारायण श्रेष्ठ के मुताबिक महाकाली नदी लिमिपिया धुरा जो काला पानी से उत्तर पश्चिमी में 16 किलोमीटर दूर से निकलती है, उसे ही सुगौली संधि का आखिरी पॉइंट बताया गया है, यानी यूँ कहें कि यही एक हल है जिसके मुताबिक इसी नदी को नेपाल और भारत का सरहद माना गया है। नेपाल के कृषि मंत्री हैं घनश्याम भूषाल। उनका कहना है कि यह कोई नई चीज़ नहीं है, हमने पहले से ही महाकाली नदी के पूर्व को नेपाल का हिस्सा माना है। उनका कहना है कि अगर भारत चाहे तो वो नेपाल की ज़मीन को लीज पर ले सकता था, लेकिन अगर भारत उसे अपना हिस्सा मानता है तो हमें उस पर एतराज़ है। लेकिन भारत का मानना है कि नेपाल को सन 1875 के नक्शे पर विचार करना चाहिए जहां महाकाली नदी का उद्गम काला पानी के पूर्व से दिखलाया गया था। गौरतलब है कि 1875 के इस नक्शे में नेपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। जब यह मामला काफ़ी बढ़ चुका है तो काठमांडू में भारतीय दूतावास और वहां के विदेश अधिकारियों का कहना है कि भारत सरकार और नेपाल सरकार अगर साथ में बैठकर चर्चा करती है तो इस मसले का ज़रूर कोई ना कोई हल निकल सकता है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट हेडलाइंस 21 के लिए।